ईरान में महिलाओं ने अपने बाल काट कर के भी विरोध जताया है। तो लगातार ईरान में एक नई किस्म की क्रांति देखने को मिल रही है और ये क्रांति है महिलाओं के हक हुकूक से जुड़ी हुई, महिलाओं के अधिकार से जुड़ी हुई। और देखिए महिलाओं में इतना आक्रोश है ईरान में कि महसा की मौत के बाद हिजाब का विरोध हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाएं अपने बाल काट कर विरोध अपना जता रही हैं। सवाल यहां पर मैं अंशु जी आपसे लेना चाहता हूं, आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर इस्लामिक जो वर्ल्ड्स हैं, इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में इतने कड़े कानून क्यों? और वही ईरान जो 1979 से पहले इतना मॉडर्न हुआ करता था, इतना प्रोग्रेसिव हुआ करता था, जहां महिलाएं अपनी इच्छा के मुताबिक जो भी उनको पसंद है वो कपड़े पहनती थी और उससे रहती थी, आखिर ये क्या हो गया यहाँ? गौरव, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब हम इतिहास में झांक करके देखते हैं, स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हम पाते हैं कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, चाहे किसी भी धर्म प्रधान के या धर्म विशेष के देश रहे हो, वहाँ पर मैच्योर होना शुरू हुई या वहाँ पर अपनाई गई, तो वहाँ संविधान के द्वारा महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन जब किसी धर्म विशेष के बल पर, जैसे कि जब हम शरिया की दृष्टि से देखते हैं, कहीं भी सरकार बनती है तो वहाँ पर शरिया के कड़े कानून विशेषकर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में लगाए जाते हैं। और ईरान के इतिहास को यदि हम देखें तो 1989 के बाद यही हुआ। शरिया लगाए जाने के बाद वहाँ पर महिलाओं की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और इसमें उनको हिजाब पहनना आवश्यक कर दिया गया। अंशु जी, इसे ऐसा कहें कि दकियानूसी सोच है तो ये गलत होगा क्या कि क्या सिर्फ महिलाओं के हेडस्कार्फ और हिजाब पहनने भर से महिलाओं को एक अधिकार देने की बात हो पाएगी? क्या महिलाओं की जिंदगी से बड़ा सवाल है वहाँ हिजाब पहनना? बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजलि, और ये आप और मैं भारत में खड़े होकर इतने आराम से अपनी बात को कह पा रहे हैं। हम उन तमाम देशों की ओर जाएं जहां पर शरिया अपने पैर पसार रहा है, तमाम आतंकवादी संगठन पूरे विश्व में शरिया लगाने का प्रयास करें। आप अफगानिस्तान की ओर देख लीजिए, एक जमाने में अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति थी? वे डॉक्टर्स थी, इंजीनियर्स थी, पायलट्स थी, पढ़ाई लिखाई में आगे रहती थी, वो पुरुषों से आगे चलती थी, वे नेतृत्व में आगे रहती थी। लेकिन शरिया लगाए जाने के बाद और तालिबान का राज आने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या हालत है, ये हमसे आपसे छिपी भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।